हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। बहरी फौज का कमांडर इन चीफ अलग, बहरी फौज का कमांडर इन चीफ अलग और फिजाई फौज का कमांडर इन चीफ अलग, हर एक की अहमियत अपनी अपनी जगह पर मुसल्लम है, लेकिन कोई भी शोभा, कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी आर्मी ये दूसरे से अलग नहीं हो सकती, न दूसरे से अलहदा हो सकती है, न दूसरे से बेताल्लुक हो सकती है। बर्री फौज का को सपोर्ट अगर फिजाई फौज ना करे तो बर्री फौज ना काम हो जाए, और अगर फिजाई फौज का सपोर्ट अगर बहरी फौज ना करे तो फिर फिजाई फौज ना काम हो जाती है। आप देखें, आज मिसाइलों का दौर है, एटॉमिक एनर्जी का दौर है, आज के खतरनाक से खतरनाक वेपन्स का दौर है, जो एटॉमिक के बाद आप हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम तक को बना लिया गया है। आज के दौर में मैदान जंग के माहिरीन ने ऐसी ऐसी मिसाइलें बना लिया है जो 60,000 किलोमीटर की रफ्तार से फिजाओं में परवाज करती हैं, और मिसाइलों की भी अलग अलग कैटेगरी है। कुछ मिसाइलें फिजा से फिजा में परवाज करती हैं, कुछ मिसाइलें फिजा से जमीन पे मार करती हैं, कुछ मिसाइलें और जमीन से जमीन पे मार करती हैं, कुछ मिसाइलें जमीन से जो है बहरी 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 डिपार्टमेंट में मार करती हैं, और बहरी बेड़ों के ऊपर जो मिसाइलें होती हैं वो हवा में भी मार करती हैं और जमीन के ऊपर भी मार करती हैं। इस तरीके से देखा जाए तो आज जंगी मैदान बड़ा वसी हो चुका है, और ये भी एक हकीकत है, आज के दौर में बर्री फौज के मुकाबले में फिजाई फौज की ज्यादा अहमियत है। जिस कौम के पास फिजाई ताकत ज्यादा होती है वो अपने दुश्मन पर आज गालिब आ जाता है, चाहे उसके पास बर्री ताकत कितना ही ज्यादा क्यों ना हो। आज शिमाली कोरिया के पास एक अंदाजे के मुताबिक 1 करोड़ के करीब उसकी बर्री फौज है, लेकिन अमेरिका उसे धमकी देता है, हम तुमको चंद मिनटों के अंदर जला करके खाकिस्तर कर देंगे, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर जाहिर बात है अमेरिका और रशिया तो ऐसे मुल्क है जिनके पास बर्री फौज के मामले में दुनिया का कोई मुल्क इनका मुकाबला नहीं कर सकता है। आज दुनिया ने ताकतवर से ताकतवर मिसाइलें बना लिया है, मगर अमेरिकन और रशियन आर्मी ये दुनिया के हर मिसाइल को तोड़ने की सलाहियत रखती है, फिजा में उसको तबाह बर्बाद करने की सलाहियत रखती है। दुनिया के ताकतवर से ताकतवर टैंक को भी अपने मिसाइलों के जरिए तबाह कर सकते हैं और सेकंडों में फौजों को बर्बाद भी कर सकते हैं। इस मौजू पर मेरा बड़ा गहरा मुताला है, अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम और साइंस मेरी टॉपिक है, मगर उस तफसील में मैं नहीं जाऊंगा। मैं आपको एक जो है मिसाल आपके सामने पेश करना चाहता हूं। आज से चंद दुहाई पहले अमेरिका ने जब जापान के ऊपर बमबारी किया था तो मेरे दोस्तों सिर्फ 2 बम उसने मारे थे, 1 बम नागासाकी पे मारा था और 1 बम उसने जो है हिरोशिमा पे मारा था। आज तो 6,000 पाउंड के बम बन रहे, एटॉमिक एनर्जी के बम बन रहे हैं, बड़े ताकतवर ताकतवर कई कई 100 पाउंड और कई कई 1,000 किलो वजनी बम बन रहे हैं। अगर उन बमों को अगर दिल्ली जैसे शहर पे गिरा दिया जाए, एक एटम बम पूरे दिल्ली को खाकिस्तर करने के लिए काफी है, इंडिया के एक एटम बम पूरे इस्लामाबाद को तबाह बर्बाद करने के लिए काफी है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ऐसा एटम बम बना लिया है पूरे वाशिंगटन शिकागो को 1 मिनटों के अंदर जला करके खाकिस्तर कर सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज का दौर फिजाई दौर है, मगर तकसीम कार फिजाई दुनिया के अंदर भी है और मेरे दोस्तों जो है जमीनी फौज के अंदर भी है और बहरी फौज के अंदर भी है। जिसके पास इन तीनों अफवाज के अंदर तालमेल होगा वही कौम और वही फौज आपका आज के दौर के अंदर दुनिया के अंदर कामयाब होगी। बड़ी तेजी के साथ मैं आप पढ़ना चाहता हूं, तमहीद को फैलाने का वक्त नहीं है। आपसे मैं सवाल करता हूं, आज दुनिया ने अपनी अफवाज को तकसीम कर लिया है, उसे कई डिपार्टमेंट में तकसीम कर दिया है। बंदूक चलाने वाली अलग फौज होती है, एटम बम चलाने वाली अलग फौज होती है, बम्बार तैयारों के जरिए बम्बार्ड करने वाली अलग फौज होती है, उसके पायलट्स भी अलग हुआ करते हैं, मिसाइलों के ट्रिगर पे बटन दबाने वाले माहिरीन अलग होते हैं। इस तरीके से आज जंग का मैदान इतना वसी हो चुका है, आज दुनिया ने दुनिया को तबाह करने के लिए इतने खतरनाक असलहे बना लिए हैं कि इंसानी जिंदगी की सहूलत के लिए उतना ज्यादा आज की दुनिया के पास सामान नहीं है। हमारा हिंदुस्तान इतना ज्यादा तरक्की याफ्ता मुल्क है, 32 लाख किलोमीटर के करीब हमारे मुल्क की सरहद है और 10,000 से ज्यादा हमारे मुल्क में ट्रेनें हैं, 5 लाख से ज्यादा हमारे पास रेलवे ट्रैक्स है और 25,000 के करीब हमारे पास रेलवे स्टेशन है। मगर इस तौर तरक्की के अंदर देखिए, आज मैं कहना चाहता हूं हमारे पूरे हिंदुस्तान
हिंदुस्तान में राजधानी से लेकर के एक जनरल ट्रेन तक कोई भी टाइम के ऊपर नहीं चल रही है, किसी का टाइम टेबल दुरुस्त नहीं है, चाहे वो राजधानी हो या शताब्दी हो, एक्सप्रेस हो या सुपर फास्ट हो, सबका एक हाल है। ये दुनिया तुमने अपने ममालिक को, अपने मुल्कों को, अपने तमाम जिंदगी को तकसीम कर लिया है। रेल का डिपार्टमेंट अलग है, बस का डिपार्टमेंट अलग है, रोजवेट का डिपार्टमेंट अलग है। मेरे दोस्तों, इसी तरीके से आप अपने शोभा हयात को और अपने शोभा हुकूमत को तकसीम करते चले जाइए, मगर उसके बाद देखिए इंसान आज एक डिपार्टमेंट को भी कंप्लीटली संभाल नहीं पा रहा है। एक डिपार्टमेंट को संभालता है, दूसरा डिपार्टमेंट उसका कमजोर पड़ जाता है। एक डिपार्टमेंट को कमजोर करता है, दूसरा डिपार्टमेंट ताकतवर हो जाता है। यही हाल तमाम दुनिया के अफवाज का, उसका तरीकेकार का भी है। किसी की बर्री फौज में ताकत है, किसी के बहरी फौज में ताकत है, किसी के फिजाई हुदूद में ताकत है, किसी के पास बमबार तैयारे ज्यादा है तो किसी के पास जो है एटम बम ज्यादा है, तो किसी के पास रिवायती असलहे ज्यादा है, किसी का जो है मेरे दोस्तों टैंक ज्यादा ताकतवर है, तो किसी की कलाशनकोव ज्यादा ताकतवर है। अब मेरी गुफ्तगू को तवज्जो से समाप्त कीजिएगा। अब मैं दुनिया के तमाम माहिरीन से, हुकूमतों के तमाम एक्सपर्ट और स्पेशलिस्ट से सवाल करता हूं, तुमको अपनी आर्मी को तकसीम करने का जज्बा कहां से मिला है? यह हौसला तुमको कहां से मिला है? यह कंसेप्ट तुमको कहां से मिला है? यह तसव्वुर तुमको कहां से मिला है? तो आप कहेंगे कि शायद नेपोलियन ने दुनिया को तसव्वुर दिया था, बोनापार्ट ने दुनिया को तसव्वुर दिया था, तैमूर लंग ने दुनिया को तसव्वुर दिया था, या आज के दौर के अंदर जो मेरे दोस्तों हिटलर ने दुनिया को तसव्वुर दिया था। मगर मैं बड़ी वजाहत के साथ कहना चाहता हूं, दुनिया का मेरे पास इंटरनेशनल सर्वे है। आज दुनिया के पास जंग के लिए ये जो तरीका हरबो दर्ब है और दुनिया की आर्मी को तकसीम करने का जो नजरिया है, ये नजरिया ना तो जर्मनी ने दिया है, ना इसे बोनापार्ट ने दिया है, ना तो इसे नेपोलियन ने दिया है, ना तो सिकंदर आजम ने दिया है, और ना तो जो है तैमूर लंग ने दिया है। दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट और बड़े से बड़े जंगी माहिरीन ने फौजों को तकसीम करने का ये नजरिया नहीं दिया है, इसलिए कि यूरोप 1000 सालों तक जो है ये डार्क एज की जिंदगी गुजार रहा था। यूरोप ने अपनी किताबों को अपने कलीसा के अंदर बंद कर दिया था। बाइबिल को पढ़ने पे पाबंदी थी, तौरात को पढ़ने पे पाबंदी थी, जबूर को पढ़ने पे पाबंदी थी। तुमने इल्म का दरवाजा पूरी दुनिया के लिए बंद कर रखा था। पैगंबर आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 571 ईस्वी में जलवगर हो रहे हैं। मेरे दोस्तों 400 ईस्वी से लेकर के 14वीं ईस्वी तक हम तकरीबन 1000 सालों तक यूरोप डार्क एज की जिंदगी गुजारता रहा। इसलिए तुम ये दावा नहीं कर सकते हो कि मिस्र ने फौजों की तकसीम का नजरिया दिया है। अब आपके ध्यान में मेरा सवाल आ गया, मेरा क्वेश्चन आ गया। मैंने जो क्वेश्चन मार्क आपके सामने किया वो आपको समझ में आ गया कि दुनिया को जंग करने के तसव्वुर कहां से मिला, आर्मी को तकसीम करने का तसव्वुर कहां से मिला, शोबे जिंदगी को तकसीम करने का कांसेप्ट कहां से मिला। तो मुझे कहने दिया जाए, दुनिया की किसी आसमानी और गैर आसमानी किताब ने इंसानी दुनिया को आर्मी को तकसीम करने का नजरिया नहीं दिया। अगर ये नजरिया दिया है तो जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान पाक ने दिया है। और मैं आज की मुख्तसर गुफ्तगू में बताऊंगा कि कुरान में हर मसले का हल मौजूद है। 1400 साल पहले कुरान पाक ने कहा था मुसलमानों को खिताब करते हुए, फलाउला नफरा मिन कुल्ली फिरकतिन ताइफतुन लियतफक्कहू फिद दीन, तुम में से हर एक तबके में से एक ग्रुप ऐसा क्यों नहीं निकलता जो मदारिस इस्लामिया जाकर के इल्मे दीन हासिल करे, बोलिए सुभान अल्लाह, इल्मे फिकह हासिल करे, इल्मे तफसीर हासिल करे, इल्मे नुजूम हासिल करे, इल्मे हयात हासिल करे, उलूमे जदीदा हासिल करे, उलूमे कदीमा हासिल करे, मदारिस इस्लामिया के अंदर जाकर के मंतिक और फलसफा का इल्म हासिल करे, उसूले फिकह का इल्म हासिल करे, उसूले अरबिया का इल्म हासिल करे, उसूले तफसीर का इल्म हासिल करे, उसूले हदीस का इल्म हासिल करे। आज मदारिस इस्लामिया में 100 से ज्यादा उलूम व फुनून पढ़ाए जाते हैं। आज हमारा इल्म तकसीम हो चुका है, डिपार्टमेंट तकसीम हो चुके हैं, उसके अंदर तनाव और जो है वैरायटी पैदा हो चुकी है। यह तसव्वुर हमारे पास कहां से आया? कुरान पाक ने हमें यह तसव्वुर दिया है। और जो नजरिया कुरान पाक ने एजुकेशन सिस्टम के लिए 1400 साल पहले दिया था, आज तक दुनिया की तरक्की याफ्ता यूनिवर्सिटियां उसे आगे नहीं बढ़ सकी है। अगर पूरा हिंदुस्तान सिर्फ हाफिज कुरान बन जाए तो कपड़े की तजारत कौन करेगा? अगर दुनिया के सारे मुसलमान सिर्फ कारी कुरान बन जाए तो आज मेरे दोस्तों भी तजारत कौन करेगा, बिजनेस कौन करेगा, लेदर की फैक्ट्री कौन कायम करेगा, गारमेंट की फैक्ट्री कौन कायम करेगा, और सनात और हिरफत को कौन लगाएगा, फैक्ट्री और कंपनियां कौन चलाएगा? अगर सारे चंदा मांगने वाले पैदा हो जाए तो इन वालों की जमात को चंदा कौन देगा? अगर सारे मांगने वाले पैदा हो जाए तुम्हारे हाथों में सरमाया कौन रखेगा? इसलिए कुरान पाक ने
ने 1400 साल पहले कहा, ए मुसलमानों यकीनन दीन और कुरान तुम्हारे लिए बड़ी अहमियत रखता है, मगर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि सारे मुसलमान मदारिस इस्लामिया में जाकर इन्हें हासिल करें। नहीं, एक तबका मदरसे में चला जाए, एक तबका मैदान जिंदगी में चला जाए। तुम अपने नसीब जिंदगी को तकसीम कर लो, तुम दुनिया में भी सुरखुरू रहोगे, आखिरत में भी सुरखुरू। पता चला कुरान पाक ने 1400 साल पहले हमें जो कंसेप्ट दिया था, आज तक यही कुरान पाक के कहते करीबा क्या कहने मुसलमानों की जिंदगी के तमाम मसाइल के हल के लिए, उनके हर प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को पेश करने के लिए सिर्फ एक ही आयत काफी है। मुसलमान भटक रहा है, दरवाजा दरवाजा दरबदर मारा मारा फिर रहा है, अपने मसाइल का हल तलाश कर रहा है, कभी प्रधान के दरवाजे पे, कभी MLC के दरवाजे पे, कभी MLA साहब के दरवाजे पर, कभी MP साहब के दरवाजे पर, कभी इस मिनिस्टर के दरवाजे पर, कभी उस मिनिस्टर के दरवाजे पर, कभी इस असेंबली के दरवाजे पर, कभी उस असेंबली के दरवाजे पे। जनाब तुम्हारे मसाइल का हल दुनिया की दरियुजा गरी में रही है, रब ताला ने तुम्हारे मसाइल का हल कुरान पाक की एक आयत करीमा के अंदर रख दिया है। मुसलमान उनके उलमा और उनकी आवाम तकसीम कार के उसूल पे अमल करे। कुछ लोग फिक्र में इल्म हासिल करें, उलमा के लिए भी तकसीम कार है, सारे के सारे मुफ्ती हो जाएंगे तो सब मसला कौन पूछेगा। कुछ मुफ्ती हो जाएं, कुछ हाफिजे कुरान हो जाएं, कुछ कारिये कुरान हो जाएं, कुछ अल्लामा हो जाएं, कुछ मुफक्किर हो जाएं, कुछ साहिबे सैफो कलम आला हजरत इमाम अहमद रजा हो जाए, कुछ मदरसा बनाने वाले हजूर हाफिज़े मिल्लत अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुरादाबादी हो जाए, तो कुछ लोग तंजीम चलाने वाले हजरत अल्लामा कायदे मिल्लत सैयद मोहम्मद अशरफ की चौचवी हो जाए। तकसीमे काम कर लो, कुछ ऑर्गेनाइजेशन चलावे, कुछ मिल्ली तंजीमें चलावे, कुछ लोग दारुल मुसन्निफीन चलावे, कुछ लोग नदवतुल मुसन्निफीन चलावे, कुछ लोग दारुल फिक्र चलावे, कुछ लोग दारुल तिबाबत चलावे, कुछ लोग मेडिकल कॉलेज बनावे, कुछ लोग टेक्निकल कॉलेज बनावे, कुछ लोग यूनिवर्सिटी बनावे, कुछ लोग तजारत करे, कुछ लोग सियासत करे, कुछ लोग मईसत की पाक डोर संभाले, और उलमा हमारे मदारिस इस्लामिया के अंदर बैठ करके मिल्लत इस्लामिया की क़यादत का मुकद्दम मरीज अंजाम दे, तुम्हारा सारा मसला हल हो। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, सुभान अल्लाह। हजरात आपने देखा कि 100 साल पहले कुरान पाक के अंदर हमारे पास एक आयत करीमा है, आपने इसके ऊपर अमल नहीं किया, बर्तानिया ने इसके ऊपर अमल किया, जर्मनी ने इसके ऊपर अमल किया, ऑस्ट्रेलिया ने इसके ऊपर अमल किया, इसराइल तुमसे ज्यादा कुरान की आयतों पे उसकी साइंटिफिक वर्सेस के ऊपर अमल करता है, मगर हम उसके ऊपर अमल नहीं कर सके, इसलिए कि वो कुरान जो दुनिया के लिए इंसानी आबादी के लिए जिंदगी का पैगाम लेकर के आया था, खासतौर पर हम सुन्नी मुसलमानों ने उसे मौत का पैगंबर बना दिया है। हमें कुरान की याद कब आती है, जब हमारा बाप मौत के बिस्तर पर होता है, रेड़ियां रगड़ता है, चलिए कारी साहब सूरह यासीन की तिलावत कर दीजिए, इसलिए नहीं कि मेरे बाप को जिंदगी मिल जाए, इसलिए कि मेरी बाप की रूह आसानी के साथ परवाज कर जाए, और फिर उसके बाद कुरान खानी का कफन दफन गुस्ल और तजहीद तकफीन का सिलसिला शुरू किया जाए। पूरी जिंदगी आपको कुरान पाक की याद नहीं आई, कुरान की याद उस वक्त आई जब आपका बाप मौत के बिस्तर पर था। कुरान की याद आपको कब आती है, जब आपके घर में कोई जिन सवार हो जाता है, किसी खबीस का सर हो जाता है, किसी बदरूह का अमल दखल हो जाता है, भागे भागे इमाम साहब की बिला के पास आते हैं हक प्लाजा के अंदर, सरकार गजब हो गया, इमाम साहब ने कहा क्या हुआ, तो कहे हजरत घर में आज सेब का असर हो गया है, रात भर हमारी अहलिया दौड़ती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है, बच्चा किसी को सोने नहीं देता, तो क्या करें, चलिए कुछ झाड़ फूक कर दीजिए, कुछ दुआ कर दीजिए। बहरहाल कलाम इलाही के अंदर तासीर है, सहाबे किराम में से हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मार गजीदा शख्स इसको सांप ने डस लिया था, सूरह फातिहा पढ़ करके उसके ऊपर दम कर दिया था, फायदा हो गया था, बकरियां इनाम में मिली, सरकार के पास लेकर आए, मसला पूछा सरकार, हमने दम किया फायदा हो गया, या रसूल अल्लाह क्या ये बकरियां हमारे लिए हलाल है, मेरे आका ने अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अबू सईद खुदरी तुमने क्या पढ़ा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह हमने सूरे फातिहा पढ़ करके दम कर दिया, रब ताला ने सांप के जहर को फौरन ज़ाहिर फरमा दिया, और उस कबीले का नौजवान उठ करके खड़ा हो गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा तुम्हारा झाड़ फूंक करना जायज, सुभान अल्लाह, तुम्हारा झाड़ फूंक करना जायज,
तुम्हारा दम करना जायज। ये बकरियां जो तुमके तुमको तोहफे में ली हैं तुम्हारे लिए हलाल हैं, मेरा भी उसमें से हिस्सा लगाइए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हदीसे पाक से साबित है, सही हदीस के अंदर, तिर्मिजी शरीफ के अंदर। मेरे आका ने फरमाया, ए अबू सईद खुदरी, उन बकरियों में से मुझे भी ला करके कुछ दो और तुम अपना हिस्सा भी रख लो। बहरहाल ये अलग टॉपिक है, उसको मैं छेड़ना नहीं चाहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब आपके घर के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई रूहानिया से होता है, तब आपको कुरान की याद आती है, घर की बरकत चली गई है, बरकत नहीं हो रही है, हजरत कोई ताबीज अता फरमा दीजिए। कारोबार में जो नहीं चल रहा है, कोई ताबीज अता फरमा दीजिए। दुश्मन जो है मुसलसल हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, हर महीने हर साल हमारे खानदान का कोई ना कोई एक आदमी मरता है, चाहे एक्सीडेंट में, सांप काटने से, आग में जल करके, तालाब में डूब करके, अजीबोगरीब आफत होती है, कभी कभी पूरी सीरीज लग जाती है। एक गया, अभी कफन दफन से फारिग नहीं हुए, अभी चालू भी पूरा नहीं हुआ, तब तक दूसरे का नंबर आ गया, तीसरे का नंबर आ गया। ये तो खुदा की मर्जी है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। मगर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपको कुरान पाक को तो इसे बहुत पहले याद करना चाहिए था। जिस वक्त आपका बाप जो है शादी रचा रहा था और आपकी ब्याह को लाने के लिए जो है बारात की शक्ल में गया था, उस वक्त क्या उसे कुरान पाक की याद आई थी? उस वक्त तो आपके दादा ने आपके बाप को बाजार के सिंस की तरह से उसकी कीमत लगाई थी और उसे बाजार के जानवर की तरह से बेच दिया था। उसे 50,000 जो है कैश का मुतालबा किया था। 250 बाराती आएंगे, खाने में बड़े का गोश्त नहीं चलेगा, हमको बकरा चाहिए, फिश फ्राई अलग से होना चाहिए, चावल बासमती का होना चाहिए, दाल अरहर की होनी चाहिए, उसके साथ चिकन फ्राई भी हो तो सुभान अल्लाह माशाल्लाह। और हम लोग देखो भाई, तरक्की याफ्ता लोग हैं, आला तालीम याफ्ता है, वेल मेंटेन है, पास कॉलोनी में रहते हैं, जमीन पर बैठ करके नहीं खाएंगे, बफर सिस्टम होना चाहिए। और भाई देखो, जब हम लोग आ रहे हैं तो कोई ट्राली में थोड़ी ना सवार होकर के आएंगे, बोलेरो लेकर के आएंगे, कमांडोर लेकर के आएंगे, उसके साथ स्कॉर्पियो लेकर के आएंगे, महंगी से महंगी कारें लेकर के आएंगे। आज हमारे समाज की सच्चाई है कि नहीं है मेरे दोस्तों? आज गाड़ी लेकर के बारात वाला लड़के वाला जाता है, उसका किराया भी लड़की वाले से हजरत वसूलता है कि जनाब 50 गाड़ी लेकर के आया हूँ, 50 गाड़ी का तकरीबन 1.5 लाख रुपए बनते हैं, अगर आप पूरा देते तो ठीक है, नहीं तो 50% तो मेरा हक बनता है, बगैर 75,000 लिए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। जब तेरे ऊपर शैतान सवार हुआ तब तो तुझे कुरान याद आया, और जब तू बाजार के सामान की तरह से अपनी आबरू को जहेज के नाम पर, किराया के नाम पर, बारात के नाम पर, खाने के नाम पर बेच रहा था, तब तुझे कुरान पाक याद नहीं आई? अगर तुमने कुरान पाक को उस वक्त याद किया होता तो आज जब तेरा बाप मौत के बिस्तर पर था तो सूरह यासीन की जरूरत नहीं पड़ती, कुरान खुद तेरे बाप के लिए आसानी का सामान फराहम करता हुआ नजर आता। नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, फैजाने हक कॉन्फ्रेंस। जब सारे बंदी, जब तू अपने सारे बंदी मदरसा शेखुल आलम साबिरिया चिश्तिया, जब तू अपने बाप की विरासत को तकसीम कर रहा था तो उसी कुरान पाक ने कहा था, वली दकरे मिसलो हजिल उनसैन, लड़कियों का हिस्सा बाप की विरासत में आधा है। आज के लोग कहते हैं कि हमने जो देना था लड़की को जहेज के नाम पे दे दिया, लड़की की शादी में हमने बहुत खर्च किया। अरे लड़की की शादी में खर्च किया तो लड़के की शादी में भी तो तुमने खर्च किया, तो लड़के को तो घर से नहीं निकाल देते, लड़के को विरासत से तो नहीं महरूम कर देते, तो फिर मेरे दोस्तों लड़कियों को वरासत से क्यों महरूम करते हो? वही कुरान तो कहता वली ज़करे मिसलो हासिल उनसे हैं, लड़कियों का हिस्सा तुम्हारी वरासत में लड़कों के मुकाबले में आधा है। हमें कुरान पाक की वहां भी याद आनी चाहिए। कुरान पाक ने हमें फरमाया कि मोमिन मोमिन का भाई है, मगर जब तो बाप की मौत के बाद तकसीम वरसा के नाम, वरासत के नाम पे अपने कमजोर भाइयों का हक दबा रहा था, तब तुझे कुरान पाक की याद नहीं आई थी? जब तू अपने पड़ोसी के प्लाट के ऊपर नाजायज कब्जा कर रहा था तब तुझे कुरान पाक की याद नहीं आई? जब तू अपने हाथों से रात की तारीकी में अपने कलमा को मुसलमान भाई का खून कर रहा था और तेरी आस्तीन पे अपने भाई के खून के छींटे पड़ रहे थे तब तुझे कुरान पाक की याद नहीं आई थी? जब तू अपने शहर के सिनेमा हॉल की तरफ तेरा कदम जा रहा था तब तुझे कुरान पाक की याद नहीं आई थी? जब जुआखाने की तरफ तेरा कदम उठ रहा था तब तुझे कुरान पाक की याद नहीं आई? जब अपने ही पड़ोस के अंदर, अपने ही मोहल्ले के अंदर एक बेटी, एक किसी की बहन, किसी की मां जब रास्ते से गुजर रही थी
और तू अपनी शैतानी निगाहों से उसका ताकुब कर रहा था, तब तुझे याद नहीं आई कुरान पाक की। उस वक्त अगर तुमने कुरान पाक को याद किया होता तो आज मौत के बिस्तर पर कुरान पाक तुम्हारी दस्तगिरी कर रहा होता। मैं कहना चाहता हूं मुसलमानों, कुरान पाक में तुम्हारे हर मसले का हल मौजूद है। शर्त यह है कि तुम कुरान पाक की आयत करीमा की रोशनी में अपने मसले को हल करने के लिए तैयार हो जाओ। आज मिलत मैं कई मसले पर आज गुफ्तगु करना चाह रहा था, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं, चंद मिनट का गुफ्तगु और है। सिर्फ एजुकेशन के हवाले से दो तीन बातें करके मैं रुखसत हो जाना चाहता। आज मेरे दोस्तों पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों का जो सबसे बर्निंग इशू है, जो सबसे पेचीदा मसला है, वह है एजुकेशन। गरीबी हमारी प्रॉब्लम नहीं है, मुसलमानों के पास बहुत सरमाया है। हिंदुस्तान में मेरे तजर्बे और सर्वे के मुताबिक अगर मैं लखनऊ में सर्वे पे आ जाऊं और लखनऊ सिटी से सिर्फ 100 ऐसे मुसलमानों को खड़ा करूं जो बड़े सरमायेदार है, खुदा की कसम इस लखनऊ शहर में 100 मुसलमान ऐसे खड़े हो जाएंगे, उनका मकतबे फिक्र और मसला कुछ भी हो, जो तन्हा यूनिवर्सिटी बना सकते। 200 एकड़ जमीन चाहिए, 500 एकड़, 1000 एकड़ वाले हमारे रिलेशन में है, बैठे हुए खरीद करके दबा करके बैठे हुए हैं। अल्लाह उन्हें तौफीक नहीं देता है हमारी कौम को। बहरहाल कुछ हिम्मत वाले खड़े हो रहे हैं, काम हो रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, मगर जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था उस रफ्तार से काम नहीं हो रहा। हमारे उलमा माफ करें, ये लखनऊ शहर बैनुल अक्वामी शोहरत के हामिल बड़े बड़े दीनी इदारों का शहर है। हमारे उलमा ने पिछले 100 सालों में किसी भी मकतबे फिक्र के हो मदरसा बनाने पे ज्यादा तवज्जो दिया, और जिन लोगों ने मॉडर्न एजुकेशन के लिए काम करना चाहा, हमारे नहीं दारुल इफ्ताओं के मुफ्ती और उनके ऊपर फतवे लगाए, उनके रास्ते रोके, अंग्रेजी सीखना हराम, अंग्रेजी पढ़ना हराम, कॉलेज में जाना हराम, टाई लगाना हराम, अरे एक जमाने तक तो पंखा चलाना हराम था, माफ कीजिएगा। अब मुझे ताज्जुब होता, कभी मैं पढ़ रहा था, एक महीना पहले मेरे पास एक रिपोर्ट आई, पहली मरतबा जब बिजली इजाद हुई, यूरोप के घरों के अंदर चिराग जला, बल्ब रोशन हुआ, तो मुतबका तौर पर यूरोप के तमाम पादरियों ने ऑल आर्क बिशप ऑफ यूरोप एंड वेस्टर्न कंट्रीज, सबका मुतबका फैसला था बिजली इस्तेमाल करना हराम हराम हराम। उलमा थे, वो भी उलमा थे, क्रिश्चियन उलमा थे, जीस उलमा थे, तो देखिए जरा कितनी मुशाबहत है मजहबी तबके में। हमारे हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुफ्ती साहब से फतवा पूछा गया कि हुजूर मस्जिद में क्या लाइट इस्तेमाल करना जायज है, पंखा चला सकते बल्ब जला सकते, तो हजरत ने फरमाया हराम हराम हराम। तो सवाल हुआ भाई क्यों नहीं जला सकते, तो जानते उसका जवाब क्या था, इसे काफिरों ने बनाया है। हा हा, भाई कौन से मुफ्ती साहब ने माइक बनाया है, ये मोबाइल कौन से मुल्ला जी ने बनाया है, ये कंप्यूटर कौन से अल्लामा साहब ने बनाया है, ये ट्रेन कौन से मुफक्किर साहब ने बनाया है, ये हवाई जहाज कौन से खतीब साहब ने बनाया है। क्या बात है भाई, क्या नुक्ता है हजरत, सड़क की तामीर में कितने तलबा काम करते हैं, क्या बात है? सड़क पे आप चलते हो और ऐसी सुभान अल्लाह, हर खानकाह हर मदरसा हर मस्जिद एसी से आबाद है। मुफ्ती साहब के कमरे सबसे पहले एसी लगना चाहिए, ठीक है भाई आ रहे हैं आने दीजिए, एसी हराम है। आवाज हर मुफ्ती के कमरे में, हर मदरसे में, हर मस्जिद में, हर दरगाह में, हर खानकाह में एसी एसी एसी। तो सवाल यह है कि हम समझते तो जरूर हैं, वापस तो आते हैं, मगर 100-200 साल लग जाता है, और इस तरीके से हमारा मजहबी तबका मुसलमानों का 100-200 साल बर्बाद करके वहीं पर फिर कौम को लेकर के आता है जहां पर 100-200 साल पहले आना चाहिए था। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कुरान पाक एक ऐसी आसमानी किताब है जिसके अंदर 1200 साइंटिफिक वर्स है, आसमानी किताब है, मगर इसके अंदर साइंसी आयत करीमा है। आज पूरी दुनिया ने मिसाइल बनाया है कुरान पाक को पढ़ करके बनाया है, माइक बनाया है कुरान पाक को पढ़ के बनाया है, एटम बम बनाया है कुरान पाक को पढ़ करके बनाया है, बम्बर तैयारे बनाए हैं कुरान पाक को पढ़ करके बनाया है,
है। ए मुसलमानों, जो काम तुम्हारा था तुमने उस काम को तर्क कर दिया, तो यूरोप वाले ने तुम्हारे कुरान पाक को लेकर के और उसी से असलाह बना करके आज तुमको अपने दरवाजे का गुलाम बना लिया है। अगर तुम वापसी चाहते हो, अगर तुम पैक चरनी चाहते हो, अपनी अजमत रब्ता चाहते हो, अगर चाहते कि दुनिया की ताकत तुम्हें सलाम करे, वापस आओ, चलो अजमेर में, अजमेर से बगदाद, बगदाद से मदीना, और कुरान पाक अपने हाथों में ले करके रब्बुल आलमीन से वादा करो, मौला ताला हमने अपनी जिंदगी के सैकड़ों साल बर्बाद कर दिए, आज हम तुझसे वादा करते हैं इस कुरान को सीने से लगाएंगे, कुरान को पढ़ेंगे, तर्जमा पढ़ेंगे, तफसीर पढ़ेंगे, कुरान को समझेंगे, और कुरान पाक की रोशनी में हमारी जिंदगी भी गुजरेगी, हमारा मदरसा भी चलेगा, हमारी मस्जिद भी चलेगी, हमारा कारोबार भी चलेगा, हमारी तजारत भी चलेगी, हमारा बिजनेस भी चलेगा, हमारा पार्लियामेंट भी चलेगा, हमारी असेंबली भी चलेगी। आज मुसलमानों के अंदर अगर इस आयत करीमा पर अमल करने का जज्बा पैदा हो गया और मुसलमानों ने एजुकेशन के मामले में अपने अलग डिपार्टमेंट को तकसीम कर लिया, मेडिकल कॉलेज कायम किया, जर्नलिज्म का कोर्स कायम किया, उसके अलावा बैंकिंग सिस्टम के लिए निजाम को कायम किया, तो इंशाअल्लाह ताला हमारे पूरे दिन बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने रब्बुल आलमीन के बारे में फरमाया है, वह हुआ असरुल हासिबीन। तवज्जो से समाप्त कर दो, मिनट बैठिए भाई, आने दीजिए। वह हुआ असरुल हासिबीन, अल्लाह सबसे फास्ट हिसाब करने वाला है। हमारा खुदा फास्टेस्ट मैथमेटिशियन ऑफ द ऑल यूनिवर्स। करोड़ों अरबों खरबों होंगे मैदान कयामत में, यूं सेकंडों में सबका हिसाब होगा। बोलिए ना सुभान अल्लाह। वहां थोड़ी ना दो चार दस घंटे लगेंगे, फरिश्ते लगेंगे, मुंशी जी लगेंगे, वकील साहब लगेंगे, बैरिस्टर साहब लगेंगे, सूदखोर जज साहब लगेंगे, ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं। रब ताला बजाते खुद करोड़ों अरबों खरबों इंसानों का हिसाब लेगा। वहाउल हासिबीन फास्टेस्ट मैथमेटिशियन, सबसे तेज रफ्तारी से हिसाब लेने वाला है। और आज कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? अल हासूब। हमारे मदारिस इस्लामिया कुछ नौजवान तालीम आप लोग बैठे हो, समझ रहे मेरी गुफ्तगू? अल्लाह ताला हसरुल हासिबीन, सबसे तेज रफ्तारी के साथ हिसाब लेने वाला, और कंप्यूटर का नाम अल हासूब। अब मैं जाऊंगा वरना कंप्यूटर की पूरी थ्योरी मैं यहाँ पे बयान कर सकता हूँ कि कंप्यूटर शुरू में कैसे बना, कैसे काम करता है। पहले पंचिंग होती थी, सुराग बनता था, उसके अंदर डाटा जमा होता था, फिर आपके जो है वो फिलोपी का सिस्टम चला, वो भी खत्म हो गया, मेमोरी कार्ड आ गया, अब पेन ड्राइव आ गया, न जाने क्या क्या आ गया, अब तो क्लाउड हो गया, सीधा खोपड़ी में घुस जाओ ऊपर आसमान में, अब आपका डाटा आसमान में रहेगा, क्लाउड में। एक साहब ने कहा था बारिश होगी तो हमारा डाटा भीग नहीं जाएगा। अरे बोले साहब नाम उसका क्लाउड है, वरना जो है थोड़ी ना कि बादल के ऊपर लगा हुआ है, वरना बारिश का सीजन आएगा तो सारा डाटा आपका खराब हो जाएगा। बोलिए वो क्लाउड से मुराद वो क्लाउड नहीं है, लेकिन जो क्लाउड सिस्टम वहां है आज कंप्यूटर के अंदर वही हो गया। एक जमाने में 50 GB अगर किसी कंप्यूटर के अंदर होता था, आदमी सीना तान करके कहता था मेरे पास 50 GB वाला कंप्यूटर है, 2 TB, 5 TB, 30 TB, अनलिमिटेड TB के कंप्यूटर आ गए हैं, जितना चाहो उसके अंदर लोड कर लो। आज तुमने बनाया, किसने पता दिया? कुरान ने दिया सुभान अल्लाह। अल्लाह हिसाब करने वाला है, कंप्यूटर हिसाब बेस्ड है। जब आप कोई भी कीबोर्ड दबाते हो और उसके अंदर बर्की लहरें पैदा होती है तो कंप्यूटर उसका हिसाब करता है, कैलकुलेट करता है, और उसे मेमोरी के दिमाग के मदरबोर्ड के हवाले करता है, मदरबोर्ड में जाता है, प्रोसेसर में आता है, प्रोसेसर से चलकर के स्क्रीन बोर्ड के अंदर आ जाता है। आज तुमने 1400 साल के बाद कंप्यूटर बनाया, कुरान ने कंप्यूटर का तत्वर था उसे 1400 साल पहले अता कर दिया था। ये तुमने कुरान पाक को पढ़ा होता, अगर तुमने कुरान पाक से अपना लौ लगाया होता, अगर तुमने गहराई से कुरान पाक का मुताला किया होता, कंप्यूटर यूरोप नहीं बनाता, कंप्यूटर मुसलमान बनाता। माइक कंप्यूटर तुम नहीं, कंप्यूटर यूरोप नहीं बनाता, माइक मुसलमान बनाता। मोबाइल यूरोप नहीं बनाता, मोबाइल मुसलमान बनाता। मिसाइल यूरोप नहीं बनाता, मिसाइल मुसलमान बनाता। इंशाल्लाह किसी और मौके में जब मैं खिताब करूंगा बताऊंगा, आज अमेरिका जहां पहुंच चुका है टेक्नोलॉजी में, डिटेल का तो फर्क है। मुसलमान साइजदा 3rd century में पहुंच चुके थे वहां पे, मुस्लिम साइजदा बगदाद में 3rd century में। अगर चाहते तो कीमियावी बम बना करके पूरे यूरोप की धज्जियां बिखेर देते,
उनकी बात की औकात नहीं थी कि हमारे सामने खड़ा हो सकते। 1000 साल हमने रशिया की साइबेरिया के इलाकों पर, स्पेन के ऊपर, दीवारें चाइना के साहब और अफ्रीका के जंगलात के अंदर हमने हुकूमत किया है। दियादा ने कभी यूरोप के कलिसाओं में और कभी अफ्रीका के तपते हुए साय में, दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मिल्लत इस्लामिया की तारीख है मुसलमानों। कुरान को ताबीज का जरिया ना बनाओ, कुरान को झाड़ फूक का जरिया ना बनाओ, कुरान पाक को साले सवाब का डा ना बनाओ। कुरान पाक दुनिया की सबसे मॉडर्न किताब है, सबसे लेटेस्ट किताब है, सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता किताब है, सबसे ज्यादा मोस्ट वांटेड किताब है। कुरान से ज्यादा दुनिया में कोई किताब नहीं छपती है, इससे ज्यादा कोई किताब सेल नहीं होती है, इससे ज्यादा कोई किताब नहीं पढ़ी जाती है, इससे ज्यादा किसी और के किताब का मुताला नहीं होता है। वो फ्रांसिस ने 15 दिन पहले ऐलान किया, हमारे पास 2000 साल पुराना जो बाइबल था हम उसे रिजेक्ट करते हैं। उसने ऐलान कर दिया दुनिया के सामने, हमने बाइबल को रिजेक्ट कर दिया, बाइबल 2000 साल पुराना है, आज के बाद कोई बाइबल की तिलावत नहीं करेगा न उसके किसी लाख के ऊपर अमल करेगा। मैंने कहा ए खुदा तेरा कितना बड़ा एहसान है, जो लोग कुरान को मिटाने निकले थे रब ताला ने उन्हीं के हाथों से उनकी किताब मिटा करके कुरान की हकीकत का ऐलान कर दिया। खुद की सैर चमन फूल चुने चाद रहे, बाग बाग जा तो हमें गुलशन तेरा आबाद रहे। वाखरु दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्ब्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें।